अगर आप भी बच्चों को एंटीबायोटिक दवाई देते हैं तो आपको इन दवाइयों से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो बिना डॉक्टरी सलाह के बच्चों को बार बार ज्यादा एंटीबायोटिक्स दवाई देने से उनकी सेहत को काफी नुकसान हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एंटीबायोटिक से होने वाले नुकसानों के बारे में जान लेते हैं। शायद आप जानते नहीं हैं, लेकिन बच्चे को ज्यादा एंटीबायोटिक देने पर उनके शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। इन बैक्टीरिया के खत्म होने पर बच्चे कई हेल्थ रिलेटेड बीमारियों के रिस्क में आ जाते हैं। बच्चे के ज्यादा एंटीबायोटिक दवा देने पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा दवाई देने पर कुछ समय बाद दवाई शरीर पे असर करना बंद कर देती है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कहलाती है। ऐसे में जब बच्चा ज्यादा बीमार होने लगता है तो दवाई असर नहीं कर पाती। एंटीबायोटिक बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर डालती है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन दवाओं के चलते बच्चे की बॉडी में पोषक तत्व और सही डाइजेशन नहीं हो पाता। ज्यादा एंटीबायोटिक देने पर बच्चे की इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है, साथ ही में बच्चा बार बार और जल्दी संक्रमण और बैक्टीरिया की चपेट में आकर बीमार पड़ता है। बच्चों को ज्यादा एंटीबायोटिक देने से बच्चों के पेट पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे कि डायरिया की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसी दवाओं के सेवन से पेट में एसिडिटी की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि डॉक्टरी सलाह पर ही बच्चों को एंटीबायोटिक्स दी जाएं।